दोस्तों ये वही फिरौन की लाश है जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, यानी खुदा होने का दावा किया करता था। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफ़र। तो मैं आज हूँ इजिप्ट के अंदर और कायरो में हूँ, और आज हम देखने वाले हैं मम्मी। जी हाँ दोस्तों, फिरौन की मम्मी, यानी उनकी वो शरीर जो अभी तक लगभग 4500 साल से यहाँ पर रखी हुई है और जिसे मम्मी बोला जाता है। और आप देख पाएंगे किस तरीके से फिरौन के बारे में आपने वाकया सुन रखा होगा, उनकी भी हम जो है यहाँ पर डेड बॉडी देखने वाले हैं। और बताते हैं कि वो बॉडी ना तो गली है ना सड़ी है। तो जस्ट मैं ये म्यूजियम के जस्ट सामने हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और अभी हम अंदर चलने वाले हैं। तो दोस्तों अंदर एंट्री हो चुकी है, और दोस्तों अंदर का क्या नज़ारा है, बहुत ही बड़ा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जगह पर आ गए। दोस्तों अगर इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्ट के अंदर 17 फिरौन गुजरे हैं, यानी 17 फिरौन रहे हैं, अपने अपने टाइम में रहे हैं, यानी राजा रहे हैं। फिरौन एक्चुअल में एक लकब था राजा का। तो आप देख सकते हो ये यहाँ का तीसरा राजा गुजरा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का तीसरा राजा गुजरा है। ये देखिए उसकी आप यहाँ पर जो है स्टैचू देख सकते हैं। ये जो आप बादशाह देख रहे हैं ना, ये बादशाह एक्चुअल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम के बादशाह हैं, यानी फिरौन आप देख सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये स्टैचू, ये एक्चुअल में ये कैदी कह सकते हो उस दौर के। और इनकी जो तस्वीर है इस तरह की कर दी जाती थी, यानी इनके हाथ बांध दिए जाते थे, और इनको जो है फिर उस ज़मीनी तौर पर काम लिया जाता था इन लोगों से, यानी गुलाम बना दिया जाता था। ये देखिए, तो आप देख सकते हो ये जो है ना जो फिरौन गुजरा है, यानी फिरौन वन और सेकंड। तो वन उसका जो नाम हुआ करता था वो रामेसिस हुआ करता था, तो ये सेकंड जो है रामेसिस उसका जो वजीर हुआ करता था। तो इसके हाथ में बहुत सारे अधिकार थे फैसला देने के। ये देखिए आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, कुफू राजा थे, उनकी रानी की आप ये चेयर देख सकते हो, जिसका मैंने पिरामिड दिखाया था। सबसे बड़ा पिरामिड जो है उन्हीं राजा का है, उनकी आप ये चेयर देख सकते हो, ये लिखा हुआ है चेयर फ्रॉम द टॉम ऑफ द क्वीन हेड फेयर्स। ये देखिए, ये जो देख रहे हो ना ये है आमोन, और ये मान के चलिए आप खुद ही पढ़ सकते हो, आमोन रा किंग ऑफ द गॉड्स, यानी भगवानों का देवता, यानी जो बुत प्रस्ती थी उस समय ये उसका खुदा था, ये अपना को खुदा कहलवाता था, और लोग उसकी जो है पूजा क्या करते, यानी इबादत क्या करते थे। और ये इसका आप यहाँ से पढ़ सकते हो पूरा। तो जो मैंने आपको आमून बताया था कि जो अपने को खुदा मानता था, ये उसकी वाइफ है। ये देख लीजिए लोग इसकी इबादत क्या करते थे, यानी बुत प्रस्ती का ये खुदा था, यानी बुराई की दुनिया का बादशाह समझ लीजिए आप, लोग इसकी जो है इबादत क्या करते थे। ये गॉड्स वाइफ, ये उसकी पत्नी है, ये उस समय के रॉयल स्टैचू थे। ये देखिए, ये देखिए, ये उस टाइम की बात है जब जो है धीरे धीरे इजिप्ट में जो है पिरामिड का दौर सिलसिला शुरू हो गया था। ये भी इनका एक मामूदी है, और इसको एक्चुअल में सर जो कफन है ना वो सोने का बना दिया गया। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इनका बिलीव क्या है कि ये लोग ख़त्म होते नहीं हैं, और नीचे ये पूरा बॉक्स है, इस ये एक स्टैचू इस तरह का है कि इसमें पूरा का पूरा जो है सामान इनका है। हालांकि ये आर्टिफिशियल है, और ये पीरियड इसमें देखो पीरियड भी बताया गया 305 से लेकर 30 BC उस टाइम का कॉफिन ऑफ आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ नीचे, और वहाँ मैं आपको ओरिजिनल जो फिरौन है ना, यानी उस दौर का मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के दौर का, मैं उसका आपको फोटो और वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे ही असली फिरौन की लाश रखी हुई है। और दोस्तों आज मैं आपको वो वाक्य बताऊंगा किस तरीके से फिरौन जो था वो एक इतना बड़ा बादशाह था, और किस तरीके से अपने तकब्बुर की वजह से खुद को खुदा मानता था, और उसके बाद वो बर्बाद हो गया, यानी फना हो गया। ये जो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं ये फिरौन है, क्योंकि दोस्तों अंदर जो है ना वहाँ पर फोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं है। बट डोंट वरी, मैं आपके लिए कुछ मटेरियल जरूर इकट्ठा किया है मैंने आपके लिए। यहाँ से आप देख सकते हो जो असली फिरौन है, हम उसको देखने वाले। अंदर जो है 15 से लेकर 20 फिरौन की लाश रखी हुई है, और वो भी हम असली लाश देखेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के समय वाकिया वाली लाश थी। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से आप फिरौन की लाश देख सकते हो,
एग्जैक्टली ये वो वाला फिरौन नहीं है जिसका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम वाले टाइम में होता है, बट यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर आप जो है फिरौन देख सकते हो। दोस्तों जिस फिरौन की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में बनी इसराइल के ज़माने में आता है, फिरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन वो अपने तकब्बुर की वजह से अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया था। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिरौन को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया, और आज उसकी लाश जो है इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई है, ना ये सड़ी है ना गली है, यूं की यूं ही रखी गई है, यानी लगभग 4000 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसकी लाश यूं की यूं ही है। आप ये जो लाश देख रहे हैं ना, ये फिरौन के परिवार यानी फैमिली की और थर्ड जनरेशन की बताई जाती है, और ये एक स्त्री की है यानी एक रानी थी अपने टाइम पे। ये दो बहनों की यहाँ पर लाश हुआ करती थी, दूसरी बहन भी इसके आसपास ही है। तो यहाँ पर इसकी लाश देख सकते हो, इसके पैरों में आप देखिए सोने की सारी चीज़ें बंधी हुआ करती थी, और ये जो है पहाड़ों में इसकी लाश को पाया गया था। जब इसकी लाश को पाया गया था तो इसके साथ बहुत सारे सामान था, यानी जो होता है ना एक ज़िंदगी को जीने का सामान, जिस तरीके से हम दहेज देते हैं इस तरीके से जब इसका दफन हुआ था तो सारा का सारा सामान जो है इसके साथ ही दफन हुआ था। तो आज ये इस म्यूज़ियम में रखी हुई है, और इसकी भी लाश ना सड़ी है ना गली है, यूं की यूं ही रखी गई है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये जो फिरौन देख रहे हैं, दोस्तों ये वही फिरौन है जिसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी असली फिरौन। आपको पता होगा दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाली लोगों के लिए एक सबक हो। फिरौन की लाश 1898 में दरियाए नील में तब सीरिया के करीब बादशाहों की आबादी के पास से मिला। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहाँ मिस्र के लोग अपने फिरौन को दफनाते थे। दोस्तों इस लाश को देख सकते हो, ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। ये वो शख्स है जो अपने आप को खुदा कहता था, यानी तकब्बुर से भरा हुआ। ये देखिए, न सड़ी है ना गली है, ये यूं की यूं ही रखी गई है। दोस्तों फिरौन की लाश को बादशाहों की आबादी से निकाला गया, और बताते हैं 1907 में जब प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने जब इसके जिस्म पर रिसर्च किया तो उसके जिस्म पर बहुत नमक जमी हुई मिली, जिससे पता चल रहा था कि एक लंबे वक्त तक ये खारे पानी में रहा और इसकी लाश दरियाए नील में महफूज रही। दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह थी जो फिरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है, इसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। यानी ये वही फिरौन है जिसका मुकाबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो पानी में तबाह हुआ, और उसके डूबने के बाद ही फिरौन की हुकूमत हमेशा के लिए डूब गई। फिरौनों की हुकूमत बहुत लंबे अरसों तक चली थी। दोस्तों अगर इस फिरौन की बात करें ना, तो ये बादशाह सोने चांदी हीरे जवाहरात और खजानों के बहुत शौकीन था, और खिदमत के लिए भी लोग को बहुत हेल्प करा करता था। यही वजह थी कि इन फिरौन में अपनी दौलत का ऐसा गुरूर और तकब्बुर था कि ये अपने आप को खुदा बताता था। आखिरी फिरौन भी इस वजह से जलील हुआ कर मरा। आज तक दौलत के नशे में चूर लोगों के लिए एक सबक बना हुआ है। आखिर फिरौन एक बहुत ही जालिम और घमंडी बादशाह था। उसने अपनी हुकूमत में लोगों पर हर तरह के जुल्म सितम ढाए। ये लोगों को अपने आप को खुदा मनवाने और अपनी इबादत करवाने को मजबूर करता था। कुछ मिस्र के लोगों को ये लगता था कि फिरौन उनके खुदा के बीच बातें पहुंचाने का एक जरिया था। फिरौन ने अपनी कौम को दरियाए नील के जरिए गुमराह कर रखा था। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये तबाह क्यों हुआ, ये बर्बाद क्यों हुआ, इतना बड़ा राजा आखिर ये बर्बाद कैसा हो गया। दोस्तों ये लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता था, और रात को क्या करता था कि अपने टांगे ऊपर को और सर नीचे करता था और खुदा से कहता था कि या खुदा तू मेरा खुदा है, बट इस पूरी दुनिया का मैं खुदा हूँ। दोस्तों इस म्यूजियम में कम से कम 17 से लेकर 20 फिरौन की लाश रखी हैं, उनकी फैमिली की होंगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बहुत सारी यहाँ पर यह लाश रखी हुई हैं। लेकिन सबकी जो नज़र रहती है वो इसी फिरौन पर रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इस फिरौन को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने अपने दोस्त की क्लिप्स उठाई है, बड़ी मुश्किल से बनी है, क्योंकि इस म्यूजियम के अंदर फोटो और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बड़ी मुश्किलों से हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। ये पढ़ सकते हो, इस फिरौन का नाम था रामेसेस।
तो दोस्तों अंदर ना बहुत सिक्योरिटी थी और वहाँ पर फ़ोन चलाना अलाउ नहीं था, फ़ोटो और वीडियो ले नहीं सकते। किस किस तरीके से मैंने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये है वीडियो और फ़ोटो इकट्ठे किए जो आपने देखे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, किस तरीके से कितने हज़ार साल से यहाँ पर जो है फ़िरौन की लाश रखी हुई है और इसका कुरान में मेंशन है। अल्लाह ने इबरत के लिए ये दुनिया को बताया है कि वो लोग जो अपने आप को खुदा समझते थे आज वो जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से रखे हुए हैं और उनकी लाश को टच से मस कुछ नहीं हुआ। दोस्तों थैंक्स कहना चाहूँगा MMI ट्रिप का, क्योंकि दोस्तों MMI ट्रिप आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आया है और ये ऑफर है कि अब आप MMI ट्रिप के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल अपने फ्लाइट के टिकट तो बुक कर ही सकते हैं, साथ में आप MMI ट्रिप के साथ बिजनेस पार्टनर बनने के बाद आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, यानी MMI ट्रिप के आप पार्टनर बन सकते हैं। दोस्तों MMI ट्रिप के साथ बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। नीचे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं ना, इस व्हाट्सअप नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद इस पर आपको हाई लिखना है, अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप के जरिए मिल जाएगी और वहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, MMI ट्रिप के साथ अपना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी V2V आप स्टार्ट कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। वाह, आई होप दोस्तों ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो Facebook का पेज हमारा अरबाज ब्लॉग के नाम से, उसको आप जो है फॉलो कर सकते हो। अगर Facebook पर देख रहे हो तो YouTube पर चैनल हमारा अरबाज ब्लॉग का, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।